भोपाल एसडीएम कोर्ट पे पहुंचकर पत्रकारों ने डॉक्टर सत्यदेव द्वारा अश्वनी गर्ग पत्रकार के परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट के लेटर के माध्यम से उप जिलाधिकारी संजीव कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष व पार्थी अश्वनी गर्ग ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा डॉक्टर डी के जैन के यहाँ 2-3 दिन से भर्ती था, जिसका वहाँ इलाज चल रहा था। उन्होंने इस घटना को लेकर पत्रकार साथियों के साथ एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी संजीव कुमार को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी गर्ग, महामंत्री डॉक्टर शहनवाज सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष अंकित जैन, आसिफ सागर, मुजक्किर अहमद, मेहताब आजाद, फरमान कुरेशी, मोहम्मद अशद सिद्दीकी आदि सदस्यगण मौजूद रहे। रिपोर्ट अंकित जैन। क्या नाम है आपका? अश्वनी गर्ग। ज्ञापन दिया गया है, किस विषय में दिया गया? सर, मैं उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ देवबंद में, और डॉक्टर डीके जैन के यहाँ मेरा बच्चा एडमिट है, और मेरा बच्चा 4-5 दिन से एडमिट है उसके यहाँ। उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। अभी क्या है कि कल उसके नाक में से और मुंह में से खून आना शुरू हो गया, तो डॉक्टर डीके जैन भी घबरा गए, हमारा परिवार भी घबरा गया। तो उन्होंने, डॉक्टर सत्यदेव हैं आंटी के, उनके यहाँ हमें भेजा कि आप जाके एक बार उन्हें दिखा लाओ कि क्यों नाक मुंह में से खून आ रहा है। उनके यहाँ मैंने पर्चा बनवा लिया, 400 रुपये का उन्होंने पर्चा बनाया। उसके बाद हम लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट बैठे रहे। फिर मैंने उनके उसको कहा, वार्ड बॉय जो था, कि मैंने कहा जरा सर को बोल दो कि पहले देख लेंगे, इसके नाक से खून आ रहा है। तो उसने कहा ठीक है आप बैठो। फिर 10 मिनट बैठे रहे, लगभग आधा घंटा हो गया बैठे बैठे। तो मैं अंदर केबिन में गया उनके, मैं कहा सर जरा देख लो, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, 1-2 पेशेंट ही था, और पेशेंट ने भी उनको कहा कि डॉक्टर साहब बच्चे के नाक में से खून आ रहा है, आप उसे देख लो। पर उन्होंने देखना उचित नहीं समझा सर, और उसके बाद कहा कि इनके पैसे वापस दे दो, इनको बाहर निकाल लो यहाँ से। और मेरी वाइफ ने और हमने उसके हाथ भी जोड़े डॉक्टर साहब के उनके, और वो जो है फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा जरा सा भी। वो कहने लगे कि इनको भेज दो यहाँ से, पैसे दे के इनके वापस। अब क्या चाहते हैं सर? मैं तो यही चाहता हूँ कि वो देखें आगे मेरे बच्चे को बस, और जो है उनके लिए आगे से उन्हें सबक दिया जाए प्रशासन के अनुसार, कि वो किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार ना करें। क्या